का चैनल, और मुझे कुछ न्यूज़ अपडेट देना था। ये शॉर्ट वीडियो है, ब्लॉग नहीं है एक तरह से देखा जाए तो। मेरा आप देख सकते हैं एक्सीडेंट हो गया था मंडे को। मैं कॉलेज जा रहा था उस दिन बाइक से, और बीच रास्ते में ही जाते ही टाइम एक्सीडेंट हो गया मेरा। मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया है कलाई के पास। अब हाथ में भी चोट लगा और फिर पैर में भी थोड़ा बहुत लग गया है, लेकिन पैर वाला तो ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में। हाथ वाला ही 15-20 दिन लगेगा ठीक होने में, डॉक्टर बोला 15-20 दिन लगेगा। हुआ एक्चुअली में ये कि एक्सीडेंट हुआ कैसे, बहुत पूछेंगे तो मैं बता देता हूँ कैसे हुआ एक्सीडेंट। तो हुआ ये कि मैं जा रहा था यहाँ से, और आधे रास्ते से आगे ज़्यादा मैं पहुँच गया था। तो अराउंड 60 किलोमीटर है मेरा गाजीपुर यहाँ से, जहाँ मेरा कॉलेज है। तो मैं 30 किलोमीटर से ज़्यादा कुछ चला गया था। अचानक हुआ ये कि एक जगह, मतलब एकदम, मतलब सुनसान एरिया था, और वहाँ से अचानक खेतों में से एक दो लड़के निकले, और वो अचानक से दौड़ते हुए सामने आ गए बाइक के, और मैंने हैंडल मुड़ाया और गाड़ी अनबैलेंस हो गया। उसने में ही गाड़ी मेरी थोड़ी तेज थी, अनबैलेंस हो गई और मैं गिर गया। गिर गया, फिर वहाँ से उठा तो मेरा हाथ नहीं काम कर रहा था, मतलब पूरा एकदम चोट लग गया था, तुरंत स्वेलिंग भी हो गया था तो काम नहीं कर रहा था। तो फिर वहाँ से घर, वहाँ पे वहीं पे मेरी बुआ घर है थोड़ी दूर पे, तो जैसे तैसे घर पे गया। फिर वहाँ से सब लोग लेके मेरे को हॉस्पिटल गए, फर्स्ट एड, वह घर पे ही आए डॉक्टर, फर्स्ट एड वर्स्ट एड किए। उसके बाद हाथ के एक्सरे वैक्सरे के लिए मैं गया हॉस्पिटल में, वहाँ पे एक्सरे वगैरह हुआ। उसके बाद वो बोला कि प्लास्टर करना पड़ेगा, पहले कच्चा प्लास्टर होगा, फिर 7 दिन बाद पक्का प्लास्टर होगा। मैंने सोचा कि यहाँ पे 7 दिन बाद फिर आना पड़ेगा कराने, इससे अच्छा मैं बक्सर ही जगह करा लूँ। फिर वहाँ से, फिर मैं तो बाइक चला के आने के स्थिति में था नहीं, कंडीशन में था नहीं। तो फिर और वहाँ पे बाइक किसी को चलाने, मतलब भैया हैं रहते नहीं हैं, और पप्पा को बाइक चलाने आता नहीं है। तो फिर मैंने फ्रेंड को अपने कॉल किया, और प्रकाश, आप लोग जानते होंगे जैसा कि प्रकाश और ट्विंकल भी है, दोनों लोग गए और वहाँ से मेरे को लेके आए। फिर यहाँ पे हॉस्पिटल में गया मैं, फिर मेरा प्लास्टर हुआ जो भी। और मैं सबसे बड़ी बात आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं बच गया, बहुत ही ज़्यादा लकी था, बहुत ही ज़्यादा लकी था, क्योंकि मैंने हेलमेट लगाया था। और मेरे को उस दिन हेलमेट का अहमियत समझ में आया। मेरा जो फेस है वो रोड पे अराउंड 50 मीटर घसीटते हुए गया, हेलमेट में पूरा स्क्रैच पड़ गया, पूरा उसका शीशा पूरा स्क्रैच हो गया है, पूरा रगड़ गया, पूरा घिस गया एकदम। तो रगड़ते हुए कुछ दूर तक मेरा आँख मेरा खुला है, मैं दिख रहा, मैं रगड़ाते हुए रोड पे जा रहा हूँ, मेन रोड पे। बहुत ही भयानक स्थिति था वो। मैं आप लोगों को यही एक बोलूँगा कि जब भी बाइक चलाएं तो ऑलवेज सेफ्टी गियर्स का इस्तेमाल कीजिए। मेरा हेलमेट सही था, इसीलिए मेरा आज फेस आपके सामने सही से दिख रहा है, वरना मेरा फेस एक साइड पूरा रगड़ गया रहता और सर वर फटा रहता है वो अलग से। भगवान ना करे किसी को ऐसा हो, लेकिन हाँ, सेफ्टी इज फर्स्ट प्रायोरिटी। यही कुछ मेरे को आपसे बताना था। अब देखिए, अब कुछ दिन तो मैं शायद ब्लॉग नहीं डाल पाऊँ, क्योंकि हाथ फ्रैक्चर हो गया, बाहर ऐसे जाने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, वियर्ड टाइप का लग रहा है। तो मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन अब वीडियो तो, और ऊपर से राइट हैंड मेरा फ्रैक्चर है, राइट हैंड फ्रैक्चर है, तो अब लेफ्ट से मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो लेफ्ट से तो फ़ोन पकड़ नहीं पाऊँगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखते हैं अब नया वीडियो कब आता है। वैसे 15-20 दिन में कट जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपन ब्रेव लड़के हैं अपन। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे हेलमेट पूरा, कैमरा में उतना नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये पूरा एकदम डीप स्क्रैच है ये सब। आप लोग को लग रहा होगा कि हल्का है, लेकिन ये पूरा थैंक्स टू स्टील बर्ड फॉर सेविंग माई फेस एंड माई लाइफ। हेलमेट इज मस्ट वाइल ड्राइविंग अ बाइक। देख सकते हैं पूरा। और हाँ, एक बात और,
मेरे बाइक को कुछ भी नहीं हुआ है, बस हल्का सा लेग गार्ड टेढ़ा हुआ है और हल्का सा बस स्क्रैच आया है हेड पे, और बाइक मेरी बिल्कुल सही है एकदम, उसको कुछ नहीं हुआ है। Si je te, si je te, sono sicuro.